ऑल ऑफ अस आर डेड इन दिनों नेटफ्लिक्स पर टॉप 10 की लिस्ट में नंबर 1 पर बनी हुई है। ये एक कोरियन सीरीज है जो कि जॉम्बीज पर बेस्ड है, लाइक ट्रेन टू बुसान। पर पर्सनली मुझे नहीं लगता कि ये नंबर 1 पर होनी चाहिए थी। हाँ, सीरीज अच्छी है, पर नंबर 1 का मतलब तो समझते हो ना, बेस्ट में से बेस्ट वो तो नहीं है ये। क्योंकि इस सीरीज में भी हर जॉम्बी मूवी की तरह वही सब होता है कि कुछ लोग हैं जो जॉम्बीज के बीच फंसे हुए हैं, अब वो एट द एंड बचते कैसे हैं और आखिर तक जॉम्बी बनने से कौन कौन बचता है और कौन कौन इनकी बलि चढ़ता है, बस इसी में हमारी सांसें अटकी रहती हैं। अगर आपने पहले कभी जॉम्बी मूवी नहीं देखी है तो फिर आपको इस सीरीज में बहुत मज़ा आएगा। लेकिन जिन्होंने इस कंटेंट पर काफ़ी सारी मूवीज़ देख रखी होंगी उनको इसमें कुछ नया नहीं मिलने वाला, सिवाय इसकी एंडिंग के। हाँ, सही सुना आपने, इसके नंबर 1 पर होने का सिर्फ एक ही रीज़न हो सकता है और वो है इसकी एंडिंग। इसलिए स्पॉइलर अलर्ट, ऑल ऑफ अस आर डेड में पूरे 12 एपिसोड्स हैं एक एक घंटे के, जिसमें एक साइंस टीचर का एक्सपेरिमेंट वायरस पूरे स्कूल में फैल जाता है और फिर वहाँ जॉम्बीज का हाहाकार मच जाता है। हर तरफ सिर्फ जॉम्बीज और खून खराबा, और जैसे हर स्टोरी के कुछ मेन कैरेक्टर्स होते हैं वैसे ही इसमें भी हैं। बस यहाँ हमें कुछ बुरा लगता है तो वो है सियोंग सेन की डेथ, और मोस्ट कन्फ्यूजिंग पार्ट कि नामरा का क्या हुआ। 12th एपिसोड में हमने देखा कि जितने लोग इस वायरस से इन्फेक्टेड थे उन्हें एक जगह बंद करके वहाँ एक्सप्लोजन कर दिया जाता है, जिससे सारे इन्फेक्टेड लोग और जॉम्बीज मर जाते हैं। पर इस डिसीजन के लिए कर्नल खुद को दोषी मानता है कि उसे मजबूरन ऐसा फैसला लेना पड़ा, इसलिए कर्नल खुद को भी मार लेता है। फिर 4 महीने बाद की कहानी दिखाई जाती है, वो आइसोलेशन सेंटर जहाँ बाकी लोग रह रहे थे। फिर एक रात ओंजो को स्कूल की छत पर आगजली दिखती है और स्कूल आता है कंटेनमेंट जोन में। बस अभी तक आइसोलेशन सेंटर से कोई बाहर नहीं गया था, पर अब ओंजो सीयूक और बाकी फ्रेंड के साथ स्कूल जाती है। दरअसल पहले नामरा ने ओंजो से कहा था कि जब भी उसे अपने फ्रेंड से मिलने का मन करेगा तब वो स्कूल की छत पर आग लगा देगी। पर क्वेश्चन ये था कि नामरा इन्फेक्टेड हो चुकी थी और एक्सप्लोजन के टाइम वहीं थी, पर ये आग किसने लगाई। लेकिन जब ओंजो सीयूक और बाकी फ्रेंड वहाँ पहुँचते हैं, वहाँ आग तो जल रही थी पर कोई नहीं था। लेकिन तभी वहाँ पीछे से नामरा आती है, पर ये क्या, वो तो बिल्कुल ठीक थी। जो इन्फेक्टेड होते टाइम उसकी हालत हो रही थी उसके कंपैरिजन में वो अब बिल्कुल ठीक थी। जब ओंजो उसे वापस चलने को कहती है तब नामरा उनके साथ जाने से मना कर देती है और कहती है यहाँ मेरे जैसे और लोग हैं और मैं उन्हीं के साथ रहूँगी। इससे क्लियर होता है कि ऐसे और भी लोग हैं जो इन्फेक्टेड थे और एक्सप्लोजन से बच गए, पर अब वो पूरे तरीके से ह्यूमन भी नहीं है, इसलिए हम इन्हें होम्बी बोल सकते हैं। ह्यूमन प्लस जॉम्बी इक्वल टू होम्बी। अब ये सही कैसे हुए ये तो हमें सेकेंड सीजन में पता चली जाएगा। हो सकता है ये साइंस टीचर के किसी एक्सपेरिमेंट का नतीजा हो, या हो सकता है कुछ लोगों की बॉडी ने खुद ही टाइम के साथ इस वायरस को ओवरटेक कर लिया हो। पर इतना तो है वो अब एक नॉर्मल ह्यूमन नहीं है, मतलब इनमें कुछ स्पेशल पावर भी आ चुकी हैं। क्योंकि एंड सीन में नामरा जाते टाइम स्कूल बिल्डिंग से जंप कर देती है, और हम सब जानते हैं कोई नॉर्मल इंसान इतनी हाइट से जंप नहीं कर सकता, पर वो बिल्कुल कैजुअली वहाँ से जंप करती है, जैसे उसे पहले से पता है उसे कुछ नहीं होगा। इसका मतलब जिन्होंने भी अपनी इस बीमारी या वायरस को ओवरटेक किया है और जो अभी जिंदा हैं उन सभी में कुछ ना कुछ पावर्स जरूर होंगी, और वो सभी साथ में रह रहे हैं, इसलिए पूरे पूरे चांसेस हैं कि सियोंग सेन भी जिंदा हो, क्योंकि उसको बस जंप करते हुए दिखाया गया था। खैर वो तो नेक्स्ट सीजन में पता चली जाएगा। हो सकता है नेक्स्ट सीजन में हमें जॉम्बी के साथ साथ ये सुपर पावर होम्बी भी दिखाए जाए, जिनमें से कुछ अच्छे हों, मतलब अच्छे लोगों का साथ दें, और कुछ बुरे। और हो सकता है ये सारे के सारे होम्बी भी गलत हों, पर नामरा अपने फ्रेंड्स का साथ दे और उन्हें इनसे बचना सिखाए। बस इस सीरीज की जो ये ओपन एंडिंग है ना, वही इसे बेस्ट बनाती है। बाकी पूरा सीजन नॉर्मल एक जॉम्बी मूवी की तरह था, और इसकी एंडिंग इसके सेकेंड सीजन को एक न्यू डायरेक्शन देती है, जिसमें हमें काफ़ी कुछ नया देखने मिल सकता है। बस अब देखना होगा कि ये ओपन एंडिंग सच में ही सेकेंड सीजन को बाकी जॉम्बी मूवी से अलग बनाएगी, या ये ट्रिक सिर्फ इस सीजन को हिट करने के लिए थी। आप लोगों को ये सीरीज कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।